Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रही सोनाली बेंद्रे ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक सैलून में उनके लंबे बालों की कटिंग की जा रही है। अपने छोटे बालों को देखकर सोनाली भावुक हो गई। सोनाली ने अपने छोटे बालों की तस्वीर भी शेयर की। इलाज करवा रही सोनाली की ये पहली तस्वीरें बताई जा रही हैं। इस तस्वीर के साथ सोनाली बेंद्रे ने लिखा कि हर दिन एक नए चैलेंज के साथ आ रहा है जिस पर एक कर जीत हासिल कर रही हूँ। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहूँ। सोनाली बेंद्रे जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है उनकी बाल कटवाने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों के साथ वो भावुक हो गई, बाल कटवाते हुए वो भावुक हुई और उन्होंने ये तस्वीरें शेयर की। एक के बाद एक बायोपिक के लगातार सुपरहिट होने के बाद अब गुजरे जमाने की अभिनेत्री मधुबाला पर भी फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। इस फिल्म में मधुबाला के दिलीप कुमार से अफेयर और किशोर कुमार से शादी के पीछे की कहानी को भी दिखाया जाएगा। फिल्म में भले ही पर्दे पर मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया हो, लेकिन मोहब्बत की इस कहानी का कैसा अंत हुआ इसका जमाने को पता है। 50 और 60 के दशक की अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती और इश्क के चर्चे आज उनके जाने के 50 साल बाद भी सुनाई पड़ जाते हैं। मधुबाला की जिंदगी की उस कहानी के कुछ सुने अनसुने हिस्सों को फिल्मी पर्दे पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। खुद मधुबाला की बहन मधुर ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू में कहा कि कई निर्माताओं ने उनसे मधुबाला पर बायोपिक बनाने के बारे में संपर्क किया है। जब मैंने इनसे बात की तो जिस तरह से इन्होंने उनकी खूबसूरती की बयान उनकी खूबसूरती को बयान किया और उनके बारे में कहा मुझसे, तो मुझे एक एक लफ्ज ऐसा लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा उनको इज्जत देते हैं, कितना चाहते हैं और क्या क्या उनके बारे में सोच के रखा है। मधुबाला की बहन मधुर के मुताबिक वो इस फिल्म से सलाहकार के तौर पर जुड़ेंगी और फिल्म की कहानी लिखने में मदद करेंगी। हालांकि बायोपिक के लिए निर्देशक का नाम तय होने के बाद इस बात का ऐलान होगा कि फिल्म में मधुबाला की भूमिका किसे मिलेगी, क्योंकि मधुबाला की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए थे कि निर्देशक के साथ मधुबाला की भूमिका निभाने वाली हीरोइन पर भी खासा दबाव रहेगा। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की जिद की वजह से दिलीप कुमार के साथ चला उनकी मोहब्बत का सफर खत्म हो गया। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए अपनी जान भी दे। और जब उन्हें मौत की आहट सुनाई दी तो किशोर कुमार ने उनका हाथ थामा और जिंदगी का आखिरी वक्त किशोर कुमार की पत्नी के रूप में बताया। मधुबाला की बहन मधुर का दावा है कि फिल्म में मधुबाला के रिश्तों को इस तरह से दिखाया जाएगा कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और फिल्म से मधुबाला के प्रति लोगों में सम्मान की भावना बढ़ाने में मदद मिले। मेरी बहन सिर्फ एक खूबसूरत दिल ही नहीं थी या एक खूबसूरत सीरत ही नहीं थी, वो वाकई ही एक बहुत ही मासूम और भोली सी इंसान थी। मधुबाला का जन्म 1933 में दिल्ली में हुआ था और 1969 में महज 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उनकी फिल्मी और निजी जिंदगी की उठापटक चर्चा का विषय बनी रही और अब मधुबाला की बायोपिक में लोगों को इन कहानियों का इंतजार रहेगा।